नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ महीने पहले यानी कि जून जुलाई तक ही समझ लो, आपका बॉयकॉट चाइना चला था। नाउ अडेज बॉयकॉट चाइना कहाँ गया? क्यों, अब क्या इंडिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं या कम बिकने लगे? फिर सेम सेम टू सेम, जितनी चाइनीज़ चाइना की इंडिया में, इंडिया की मार्केट में शेयर थी, मार्केट शेयर थी, ठीक उतनी अब शेयर बन चुकी है चाइना की फिर से। अब कहाँ गया हमारा आत्मनिर्भर भारत? अब तो मोदी जी हमें कुछ नहीं बोलेंगे। मोदी जी बोले भी तो क्यों बोले, उन्हें भी तो बेनिफिट होता है ना। हम खरीदते गुड्स, GST तो उन्हें उनसे ही मिलता है। सामान चाइना का हो चाहे इंडिया का, गवर्नमेंट को तो बेनिफिट हो ही रहा है। सो गवर्नमेंट क्यों बोलेगी? बस एक बार बोल दी जोश में आके, अब तो गवर्नमेंट भी शांत बैठी है। जब इतना ही बॉयकॉट चाइना का शौक था चाहे मोदी जी को, आत्मनिर्भर भारत का, तो क्यों नहीं चाइनीज़ फ़ोन्स वगैरह पे ज़्यादा GST लगाए ताकि इन सब के दाम बढ़े और फिर बिके ही ना ये, एंड सैमसंग वगैरह पे GST वगैरह कम करते ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैमसंग को ख़रीदे। सो आई होप कि मोदी जी रिप्लाई दे मेरा। आई होप कि ये वीडियो मोदी जी भी देखे, ऐसे देखेंगे ना नहीं तो नहीं, मैं ये जानता हूँ। खैर जो भी है, अब एक हमारा भारतीय ब्रांड है जिसका नाम है माइक्रोमैक्स, जो कि दिल्ली का ब्रांड है, जिनके CEO है राहुल जी। उनसे मेरा अभी कुछ दिन पहले ही मेल पे बात हुआ था। वो 3 तारीख को एक अपना लॉन्च इवेंट मीन्स कर रहे हैं, जिसमें माइक्रोमैक्स इन ब्रांड्स मीन्स अपना IN ब्रांड से न्यू फ़ोन लॉन्च कर रहा है। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा मीन्स परफॉर्मेंस होगा वो सब फ़ोन का जो भी अभी लॉन्च करेगा माइक्रोमैक्स, एंड ख़ास कर ये गेमिंग एंड कैमरा को लेके ही मीन्स आज के वो माइक्रोमैक्स फ़ोन लॉन्च कर रहा है। सो फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि एक बार माइक्रोमैक्स का फ़ोन ज़रूर यूज़ करें जो लॉन्च कर रहा है। आज के डेट में फ़ोन बहुत ही कॉस्टली नहीं आता है। यह एटलीस्ट ये करे कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली या कोई भी अभी जो मीन्स नया फ़ोन लेना चाह रहे हैं, जिनके पास है उनको चेंज नहीं करने, कोई करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नया लेना चाह रहे हैं वो एक बार माइक्रोमैक्स ज़रूर यूज़ करें। इतना भी बुरा ब्रांड नहीं है माइक्रोमैक्स। एक टाइम में वर्ल्ड का टॉप 10 बिगेस्ट ब्रांड में आता था माइक्रोमैक्स एक टाइम में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार माइक्रोमैक्स को मौका दे, उसका फ़ोन यूज़ करके देखे। इनफैक्ट वो जो भी फ़ोन लॉन्च कर रहा है, मेरा राहुल जी से बात हुआ था, वो बोले कि वो स्टॉक एंड्रॉयड के साथ लॉन्च होगा, एंड प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा दिया जाएगा, शायद MediaTek का ही प्रोसेसर दिया जाएगा, G90, G95 ऐसे करके, एंड प्राइस सेगमेंट तो अभी लॉन्च किया जाएगा 7 से 15 हज़ार तक के अंदर। बाकी सारे प्राइस सेगमेंट पे भी आपका फ़ोन लॉन्च होगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। तो 3 तारीख को माइक्रोमैक्स का लॉन्च इवेंट है, 12 बजे दोपहर में, 12 PM। ओके, सो प्लीज़ आप लोग उस लॉन्च इवेंट को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, एंड एक बार माइक्रोमैक्स को मौका दीजिए, एंड एक बार माइक्रोमैक्स का फ़ोन यूज़ कीजिए, उसके बारे में देखिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, माइक्रोमैक्स को मौका देना चाहिए या नहीं। एंड हाँ फ्रेंड्स, फिर से जोश में आइए एंड बॉयकॉट चाइना का नारा फिर से दीजिए। चाइनीज़ प्रोडक्ट को कम से कम यूज़ करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यूज़ ना कीजिए, क्योंकि चाइना के बिना हम क्या विश्व के शायद ही कोई देश चल सकते हैं चाइना का प्रोडक्ट को ख़रीदे बिना। सो कम से कम यूज़ कर सकते हैं, लाइक बहुत कोई अभी भी लाइफबॉय लक्स साबुन यूज़ करते होंगे जो कि इंडिया का नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, और इंडिया का ही ब्रांड है पतंजलि, गोदरेज, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि पतंजलि साबुन कोई ख़राब नहीं बनाता है, पतंजलि सर्फ कोई ख़राब नहीं बनाता, इनफैक्ट मैं खुद वही यूज़ कर रहा हूँ 3-4 सालों से। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी एक बार यूज़ करके देखिए। बहुत सारे कंप्यूटर्स के भी प्रोडक्ट आते हैं आपका इंडियन ब्रांड्स, लाइक कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह, माइक्रोमैक्स इंटेक्स वगैरह के, तो फ्रेंड्स उसको यूज़ कीजिए। एंड हाँ फ्रेंड्स, फ़ोन का जहाँ तक बात है ना, अभी ऐसा क्या हुआ कि अभी सारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, एंड आपको तो पता ही लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बहुत लोगों का हो सकता है फ़ोन ख़राब हुआ होगा, बहुत लोगों का तो सैनिटाइजर से फ़ोन ऑफ हो गया, फ़ोन ख़राब हो गया, तो बहुत लोगों को फ़ोन ख़रीदना होगा। और एंड ये अभी ऑफ़र देख रहे होंगे, दिवाली दशहरा में ऑफ़र आएगा, तो
तो फिर ऑफ़र में थोड़ा पैसे कम होंगे तो फिर वो फ़ोन परचेस करेंगे। सो फ्रेंड्स एक बार माइक्रोमैक्स का भी मौका दीजिए, इतना दिन वेट किए, थोड़ा दिन और वेट करके एक बार माइक्रोमैक्स का फ़ोन ख़रीद के देखो। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि यार वो कुछ भी है तो वो इंडिया का ब्रांड है एंड इंडियन ब्रांड्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। आई नो हो सकता है कि इस बार भी माइक्रोमैक्स कुछ गलतियाँ करे, खामियाँ करे, लेकिन वो माइक्रोमैक्स को बताइए, मौका दीजिए फिर से, ये ना कि फिर माइक्रोमैक्स को छोड़ के फिर हम लोग बाहरी के ब्रांड्स को यूज़ करने लगे। सो फ्रेंड्स आई होप मैं जो मैसेज देना चाहता था आप लोग तक आया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगैन।